वेलकम अगेन टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर की सब्ज़ी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने बाज़ार से फ्रेश खरीदी हुई मटर छील ली है। लगभग हमने आधा किलो मटर लिया है इसमें, जिसमें से हमने आधा यूज़ कर लिया था और बाकी जो बचे हैं उसका हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने मटर छील लिया है और अभी हम आलू को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। लगभग हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और सुनहरा कलर आ चुका है इनका। तो अब हम इन्हें ऑफ करके हम अपने मटर और आलू की सब्जी की तैयारी करनी शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि इसमें जो है हम कुछ शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सब्जी बनाएंगे आज हम। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने शिमला मिर्च भी काट के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज का एक सीक्रेट ये रेसिपी ये है कि इस सब्जी में ना तो लहसुन है और ना ही प्याज है। प्योरली वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी सब्जी है ये। चूंकि हमारे यहाँ अभी लहसुन प्याज खाना वर्जित है, तो हमने अभी बिना उसके सब्जी बनाया है। तो ये देखिए, हमने प्योरी तैयार किया है। इसमें हमारा हमने टमाटर डाला है, दो टमाटर डाले हैं इसमें हमने, धनिया पत्ता है और हमारा अदरक डला है इसमें, बस और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी प्योरी जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो एक साइड पे हमने दूसरी कढ़ाई में हमारे शिमला मिर्च और थोड़े से मटर को जो है हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर हम इसे एक साथ मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसको कवर कर दिया। दोस्तों, हमने अपने सब्जी के लिए हमारा मसाला जो है वो हमने रेडी कर लिया। इसमें हम दालचीनी और बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़े मेथी के दाने और ये हींग है। अभी हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो हमने ऑलरेडी अपने प्योरे में धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। जीरा पाउडर और सब्जी मसाला ऐड करेंगे हम इसमें। तो चलिए आगे की रेसिपी अब तैयार कर। तो इसमें हमने ऐड कर दिया है सारा का सारा मसाला। अब हम इसमें आगे जो है हम इसमें रफली चॉप्ड टोमेटोज डालेंगे, अराउंड 1 टोमेटो छोटा आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे बढ़िया तरीके से हम गलने तक पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे ताकि ये जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए और टाइम भी। देखिए दोस्तों, इसमें अब हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिया इसमें सब्जी मसाला और इसे बढ़िया तरीके से चला लेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से ऑयल जो है वो पूरा का पूरा रिलीज हो रहा है। अभी जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाएगी, तब हम इसमें प्योरे ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ग्रेवी है सिर्फ टमाटर का, वो अच्छी तरीके से पक के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें प्योरे ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे थोड़े हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये जो हमारा लेफ्ट ओवर था वो भी हमने पानी में डाल के मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से अभी बिल्कुल पतला है। अभी हम इसे बिल्कुल गाढ़े होने तक पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें आलू जो है वो फ्राइड वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारे मटर भी इसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करके चला के इसे कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कह सकते हो अब मिड ऑफ द प्रेप है हमारे आलू मटर की। ये देखिए, धीरे धीरे अब हमारे जो मटर है वो भी पकना शुरू हो चुका है। अभी हम इसे और 10-15 मिनट पकाएंगे, फिर दी एंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी सब्ज़ी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे, बहुत ही टेम्पटिंग है। आई कांट इवन रेसिस्ट। मुझे बस जल्दी से मेरी भाभी जो है वो खाना दे दे और मैं इस सब्ज़ी को खा सकूं और मस्त इन्जॉय कर सकूं। देखिए, अब हम इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।